फाइनली वी आर हेयर और उतना ज़्यादा खुशी जो पहली बार देख के मिला था उतना नहीं है, बट या आई एम हैप्पी, उतना एग्जैजरेट नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको हाई लो कर पाऊँगा बिकॉज अभी लोग सो रहे हैं और फिर अभी मैं हूँ इंद्रनगर हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, तो मैं भी हावड़ा स्टेशन जा रहा हूँ। गाइस अभी बज रहे सुबह के 6:26 और आई एम वेरी सरप्राइजिंग कि अभी सूरज निकली नहीं है एंड अभी यार्ड में लगी हुई है जस्ट, और 10 मिनट रह गए हैं हावड़ा पहुंचने को, ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया यार्ड से, स्टेशन ज़्यादा दूर है नहीं, वी आर ऑलमोस्ट देयर। और उसके बाद यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे मैं वो स्टेशन में आपको उतर के बताऊँगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल, स्टार्ट किया था मैं एग्जैक्टली जहाँ पे गया था वहीं आज भी जा रहा हूँ टाइटल। तो गाइस अभी बज रहे हैं 6:42 इन द मॉर्निंग एंड वी आर ऑलमोस्ट राइट टाइम में पहुँचे हैं, और यहाँ से हम लोग को जाना है सांतरागाछी स्टेशन, फिर वहाँ से हम लोग को लोगी ट्रेन है पूरी के लिए 9:30 बजे एंड दीपक इज़ ट्रैवलिंग विथ मी एंड ट्रैवलिंग विथ माई फैमिली बेसिकली, और मेरे मम्मी पापा दूसरे कोच में थे, वो लोग A4 में थे, हम लोग A6 में थे, तो अभी हम लोग हेडिंग टूवर्ड्स देम। तो पहले कुछ खाना पीना करते हैं क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी है मेरे को, मैं कुछ भी नहीं खाया उस आज फॉर वेरी वियर्ड रीज़न, पता नहीं क्यों सनराइज़ तो हुआ बट बादलों के पीछे छुप गया एंड अभी क्लाउड हर जगह हो रखे हैं एंड आई एम लिटरली इन्जॉइंग विद ब्लॉगिंग विद दिस GoPro बिकॉज क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और बहुत कंपेटेबल है, आप कहीं भी डाल सकते हो उसको बहुत अच्छे से, इजीली आप इसको लेके कहीं भी घूम सकते हो, पॉकेट में डाल दो एंड A4 पहुँच गया, पता नहीं अभी मेरे मम्मी पापा दिख नहीं रहे। सो गाइज कोलकाता ने मेरी आदत खराब कर रखी है क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है, अभी रात भर मैं सोया नहीं हूँ क्योंकि रात में नींद नहीं आती है। सुबह के बज रहे हैं 7:12 एंड हम लोग अभी जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 17-23 के तरफ, मतलब जो सेकेंड पार्ट है हावड़ा स्टेशन का है, नया पार्ट है हावड़ा स्टेशन का, उस तरफ जा रहे हैं और ये ओल्ड हावड़ा स्टेशन है एंड अभी मैंने केक वेक खाया, थोड़ा भूख लगा था जोरों था लेकिन इतना इनफ रहता है सुबह सुबह खाने के लिए, ऐसे भी खाने की आदत चली गई है जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है, बैचलर लाइफ जब से स्टार्ट हुआ है क्योंकि। तो गाइस अभी हम लोग शालीमार स्टेशन पहुंच गए एंड मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था ट्रेन में चढ़ के यहाँ पे उतरने का क्योंकि पूरा जर्नी ये पूरा ब्लॉग ही ऐसा ही होने वाला है, पूरा जर्नी, तो इसलिए मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि जितना कम हो सके बोरिंग बने ये ब्लॉग, तो मैंने इतना डाला नहीं ये चीज़, और अभी मैं कुछ खाऊँगा क्योंकि वो हल्का फुल्का ही खाया था, पेट में कुछ गया भी नहीं ज़्यादा। यहाँ पे हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, पापा कोलगेट लाने गए, बेसिकली कोलगेट हमने पिकअप खरीदा तो था बट डालना भूल गया था, तो इसके वजह से यहाँ से मिलता नहीं है, बाहर जाके खरीदना पड़ेगा।
और हाँ ठीक है तो गाइज राइट नाउ इट्स 5:48 इन द इवनिंग एंड गाइज मैंने ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया जस्ट बिकॉज वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था एंड आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन मैं सोया हुआ था आराम से फिर बारिश वारिश हुआ अभी बहुत अच्छा वेदर हो गया आपने कुछ क्लिप्स देखा होगा अभी एक स्टेशन पहुँच गया जिस स्टेशन का नाम है डेलांग एंड आई हैव नेवर एवर हर्ड दिस नेम बिफोर मैं जब लास्ट टाइम पूरी आया था मैं इतने नोटिस नहीं किया था मैं आज मैं नोटिस कर रहा हूँ वेदर बहुत प्यारा गाइज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग और एक ही स्टॉप रह गया है मतलब ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू रीच पूरी और 10 मिनट रह गया है राइट टाइम इसका 6 PM है बट आई एम नॉट श्योर कि राइट टाइम में चल रहा है कि नहीं वेरी माई ट्रेन में मैंने चेक नहीं किया एंड आई एम लिटरली इन्जॉइंग ब्लॉगिंग विद दिस GoPro Heroes 8 एंड अब सीधा पहुँच के ही मिलूंगा अब इसके बीच में अब कुछ भी जर्नी कवर करना है नहीं क्योंकि वही सेम बोरिंग सा जर्नी रह गया है तो गाइज वी आर 27 मिनट्स डिले और हमारा टाइम यहाँ पे राइट टाइम था 6 बजे अराइव करने का लेकिन हमें अराइव किए यहाँ पे 6:25 में तो 25 मिनट्स डिले राइट नाउ इज 6:27 एंड आई कैन लिटरली सी मेनी फॉरनर्स राइट नाउ एंड आई एम ब्लॉगिंग एंड दे आर स्टेयरिंग एट मी मेनी पीपल्स आर स्टेयरिंग एट मी एंड आई एम लिटरली इन्जॉइंग दिस मोमेंट बिकॉज लास्ट ईयर मैं जब यहाँ पे आया था तब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था एग्जैक्टली 2 साल पहले तो गाइस जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो मैंने यहीं पे ब्रेकफास्ट किया था एंड आई रिमेंबर द टेस्ट ऑफ द फूड वाज ऑफुल यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था जब यहाँ पे मैं पहली बार आया था आई मीन सेकेंड टाइम जब आया था बचपन में मैं पहली बार आया था एंड आई हैव लिटरली इन्जॉयड लेकिन इस बार मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सके आपको दिखा सकूँ एंड मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस में मैंने जितना सीखा है वो सारी चीज़ें मैं आपको आप तक पहुँचा सकूँ और शेयर कर सकूँ इस बहुत ही प्यारा दुकान है यहाँ पे आके आप ये सब चीज़ें भी खरीद सकते हो वेंडर से पूछ के आपको मैं थोड़ा और ज़्यादा शेयर कर सकता था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया जस्ट बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है अभी मेरे को जल्दी है क्योंकि अभी होटल वोटल हमने ऑनलाइन बुक तो किया नहीं है अभी आके खोजना ही है सर्च वर्च करना है उसके बाद पता नहीं मोस्ट प्रॉब्ली मैंने बोला है कि बीच साइड भी लेना है होटल लास्ट टाइम की तरह क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें कवर करने की प्लानिंग्स है और लास्ट ईयर की तरह लॉकडाउन वॉकडाउन तो है नहीं कि अभी बंद रहेंगे जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ पे देखिए फ्री मोबाइल स्टैंड एंड शू स्टैंड सब कुछ जमा यहीं पे करना पड़ता है यहाँ से आपको लाइन से काफ़ी सारे ऐसे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे तो जमा करना पड़ता है सीधा आपको मंदिर दिख रहा होगा वाइड एंगल लेंस पे दिख नहीं रहा होगा मैं क्रॉप करके आपको दिखा दूंगा तो यार पूरी की जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है कि शाम के वक्त पूरी की हवा और बहुत ही प्यारा हवा चलता है यहाँ पर गाइस GoPro में जो है बची नहीं है तो मुझे अभी डिलीट करना पड़ा कुछ क्लिप्स क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली अभी हम लोग आए हैं मंदिर के साइड होटल लेने को क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग बीच के साइड रुके थे बट तो गाइस अभी मैं जस्ट रेडी होके थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर नहा आके निकला क्योंकि ऐसा सुबह से चिपचिपाहट था काफ़ी ज़्यादा एंड मैं सुबह से नहाया भी नहीं था इस वजह से मैंने सोचा कि भाई अभी नहा लेता हूँ थोड़ा फ्रेश फील होता हूँ फ्रेश फील करूँगा एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बीच की तरफ अभी ऑटो लेके जाएंगे कि पैदल जाएंगे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है 2-3 किलोमीटर वॉक करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है अगर आप ट्रैवल करके आओ उसके बाद तो अभी हम लोग मंदिर के सामने हमने एक धर्मशाला लिया है प्लान ये है कि कल हमें पूजा करना है मंदिर जाएंगे उसके बाद GoPro में मैक्सिमम जूम इतना ही होता है जितना भी इस ये जो फ्रेम आपने देख रहे हो कोई क्रॉप कुछ नहीं किया है मैंने GoPro में मैक्सिमम जूम इतना होता है और यहाँ से लाइन जो है स्टार्ट होता है ये कल सुबह मैं अच्छे से बताने का ट्राई करूँगा कल ही आने का प्लान है मंदिर का पूजा करने का लेकिन अंदर कुछ भी अलाउड नहीं रहता है अनटिल एंड अनलेस आप स्पेशल परमिशन लेके आओ तो वो सीन एक अलग रहेगा तो अब जितना हो सकेगा बाहर से मैं वीडियो बनाऊँगा अंदर जाके तो कोई वीडियो बनाने का सीन ही नहीं है क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं जाता है टेम्पल आप देख रहे हो ये है जगन्नाथ टेम्पल और रात में इतना अच्छा वीडियो आपको दिखेगा नहीं सुबह के मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ये टेम्पल क्या है और इसकी पूरी हिस्ट्री आपको गूगल में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा इससे रिलेटेड जो भी रहेगा और अभी पूरी का वेदर जो बहुत अच्छा हो गया है बहुत ही प्यारा हो गया हमेशा शाम के वक्त वेदर बहुत प्यारा ही रहता है बट अभी पता नहीं बारिश होने के बाद बहुत ही प्यारा हो गया है एंड वी आर जस्ट इन्जॉइंग दिस वेदर
गाइस मुझे मालूम नहीं है ये एग्जैक्ट कौन सी जगह है, मतलब ओल्ड पुरी की वाइब नेक्स्ट लेवल है एज़ कम्पेयर टू न्यू पुरी। सो आई एम एंजॉइंग दिस पार्ट ऑफ द पुरी और गोल्डन बीच वाली पार्ट तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आता है। हमने एक छोटा सा, तो गाइज जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ 1.5 किलोमीटर के अराउंड रह गया था, लेकिन थोड़ा वॉक करने में प्रॉब्लम होता है ट्रैवल करने के जस्ट बाद। मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, मेरे भाई को प्रॉब्लम नहीं था, बट फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम होता है। तो अभी हम लोग स्वर्गत द्वार पहुँच गए हैं, स्वर्गत द्वार घाट पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ से हमें बस छोटा सा वॉक लेना है और जो हवा आ रही है, हवा से समझ इतना आ रहा है कि बीच के बहुत ही सामने है, नज़दीक है। लास्ट ईयर जब हम आए थे, दो साल पहले जब हम आए थे, एंड इट वॉज अ वेरी इट वॉज़ अ टोटल न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। लेकिन अभी न्यू नहीं है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स रिन्यू होगा। एंड तो ये जो थैंक यू वेरी मच पियाल, जो इस गोप्रो को ओन करता है उसका नाम ले रहा हूँ अभी मैं, बिकॉज क्रेडिट गोज टू हिम। अगर वो ये गोप्रो मुझे नहीं देता तो मैं इतने प्यारे प्यारे शॉर्ट्स नहीं ले सकता था। और मैंने वो माउंट और ट्राइपॉड स्टैंड लाना मैं भूल गया, वरना एक लंबा चौड़ा यहाँ पे शॉट लेता जो मेरे दिमाग में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आप तो नहीं ले सकते। एंड फाइनली वी आर हेयर, और उतना ज़्यादा खुशी जो पहली बार देख के मिला था उतना नहीं है, बट या आई एम हैप्पी, उतना एग्जैजरेट नहीं करना चाहूँगा, बट आई एम हैप्पी। यप, एंड गाइस लिटरली लेजिटली लविंग इट, स्नैप गया पहाड़ में, आई जस्ट वांट टू शूट दिस मोमेंट एंड feel this bang, let's bang into the sea, man. So guys अभी फोटो खिंचवाने का कोई मतलब बनता नहीं, मैंने दो तीन फोटोज खिंचवाए और थंबनेल फोटो निकालने की ट्राई करा मैंने। और अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ कुछ खाने, क्योंकि पेट पूजा हमने जो है दोपहर से किया नहीं है, दोपहर को जो हमने खाया था थोड़ा बहुत। एंड GoPro की भी जो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, तो अभी मैं GoPro की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पापा के फोन से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज अभी अंधेरे में कुछ आएगा नहीं, तो दिन के वक्त मैं ये कवर करने की ट्राई करूँगा। अभी पापा के फ़ोन से मैंने एक शॉट लिया होगा जो आपने देखा होगा, यहाँ पे कुछ कैमल्स ऑलरेडी आ रखे हैं, और ये आया बड़ी वाली, जूता मेरा ऑलरेडी गीला हो रखा है, तो मैं अभी खोल के जाने की ट्राई भी नहीं करूँगा। तो गाइज यहाँ पे तरह तरह की मछली आपको मिल जाएगी, प्रॉन मिल जाएगी, एंड कबाब भी वहाँ पे मिलेगी, एंड क्रैब भी मिलेगी, बहुत तरह की मछलियाँ यहाँ पे मिलेंगी। मेरे को इतनी आइडिया है नहीं मछलियों के बारे में, बट इफ यू वांट टू ट्राई, आप आके गोल्डन बीच के सामने यहाँ पे आके लाइन सबको मछलियों की दुकानें मिलेंगी, और आपको अगर लस्सी वस्सी खाना है सब कुछ सारे स्पेशली स्नैक्स में। सो आई एम नॉट गोना ट्राई दिस, लास्ट टाइम भी मैं जब आया था मैंने खाया था जस्ट बिकॉज मेरे को इतनी स्मेल पसंद नहीं है। कहते करेगी फालूदा दादा, ए भाई फालूदा कहते करी 50 फालूदा 50 आईटी नेक फाइव। तो गाइस ये हमारी फालूदा आ चुकी है, एंड वी आर ट्राइंग आफ्टर अ ईयर आई थिंक। टेस्ट रियली अमी, खत्म करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। सॉरी आपको अगर कभी क्रेविंग हो रही होगी तो, आई कांट हेल्प। स्टीम तो नॉर्मल मोमो खाना है कि स्टीम मोमो खाना है? किसो किसो मोमो अच्छी चिकन कहते करी की चिकन 80 टका 10 पीस भे 60 टका 10 पीस पनीर 80 टका 10 पीस एक प्लेट चिकन होगा। ओके 80 के 10 पीस हमें मिले हैं, नॉट बैड, ट्राई कर सकते हो आप। यहाँ पे दुकान के नाम है दार्जिलिंग मोमो, आपको गोल्डन बीच के बिल्कुल सामने मिल जाएगा। It's very good. So guys, अभी हम लोग आ चुके हैं स्वर्गत द्वार, एंड लाइफ में मैं पहली बार स्वर्गत द्वार आया हूँ। लास्ट टाइम मैं जब आया था स्वर्गत द्वार एंटर नहीं किया था मैंने, और नहीं है आई डोंट थिंक सो वीडियो बनाना भी अलाउड होगा हर एक जगह पे, बट स्टिल आई एम मेकिंग। अभी तक कोई रोक टोक तो है नहीं, और कहीं पे भी कोई इंस्ट्रक्शन डाला हुआ तो है नहीं, सो आई एम जस्ट इंजॉइंग एंड आई एम जस्ट मेकिंग, गो विद द फ्लो वाला सीन चल रहा है।
मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं वो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं है। यहाँ पे पूरी की स्पेशल आई मीन खाजा मिलती है यहाँ पे, और आप जब भी पूरी आते हो तो आप यहाँ से घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। वी डिड आवर डिनर फ्रॉम हेयर मासिर होटल, आप गूगल कर लो, गूगल में निकल जाएगा। ओके गाइज, टाइम टू एंड दिस ब्लॉग। आई थिंक आज मैंने बहुत कुछ ज़्यादा बना डाला है, और अभी हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग ठहर रहे हैं। कल प्लान ये है कि हम लोग बीच की तरफ होटल लेंगे, एज आई सेड, एज आई मेंशनड अर्लियर। और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।